Assalamu alaikum, welcome again, Art with Maha muzammil. Last video में मैंने आपको canvas के बारे में कुछ बताया था और अब मैं आपको मैंने अपने canvas के ऊपर lacquer spray किया था जो dry हो चुका है. So अब आपको मैं golden color जो golden paint मैंने आपको बताया था उसके बारे में बताऊंगी. ये water base है. तो ये आपकी मर्ज़ी है कि आप ऑयल बेस्ड गोल्डन कलर लें या आप वाटर बेस्ड कलर लें. सो मैं यूजली जो है वो वाटर बेस्ड जो है गोल्डन कलर यूज़ करती हूँ. ये आपको किसी भी अच्छी जो पेंट शॉप होती है जहाँ से जो बड़े जो दूसरे घर वाले पेंट होते हैं वॉल पेंट होते हैं उनके उन शॉप से भी आपको ये इजीली मिल जाएगा. और किसी अच्छी बुक शॉप से जैसे लाहौर में वैरायटी बुक शॉप है वहाँ से भी आपको इजीली ये मिल जाएगा. ओके उसके बाद जब आपको चीज़ें चाहिए केरोसिन ऑयल जो मिट्टी का तेल होता है और एक आपको डस्टर या टिश्यू पेपर चाहिए जिसके साथ आप अपना एक्स्ट्रा ऑयल या एक्स्ट्रा पेंट जो है वो साफ़ करें. और सबसे ज़रूरी और बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ जो ये है कि आपको जब भी पेंटिंग करनी है तो आपको आपकी बेस पे कोई और जो है वो बोर्ड वैसे ड्राइंग बोर्ड भी होता है जो यूज़ करते हैं या कोई रफ़ जो है वो फैब्रिक या कोई ऐसी चीज़ जिसको आप रख सकें नीचे ताकि कोई और चीज़ जो है वो गंदी ना हो. सो अब मैं आपको ये भी बताते चलूँ कि अभी अगर आपका स्टार्ट है तो आप बड़ी ट्यूब्स जो हैं ऑयल पेंट्स ना लें तो ज़्यादा अच्छा है क्योंकि अभी आपको प्रैक्टिस करनी है. और अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते तो आप इस तरह की छोटी किट भी ले सकते हैं वो भी मैरिस की. और ये जो है ये एक्रेलिक पेंट्स हैं. आप एक्रेलिक पेंट्स भी यूज़ कर सकते हैं. ये वाटर बेस्ड होते हैं बट जो ऑयल पेंटिंग है वो जो उसकी लुक है वो एक्रेलिक पेंट के साथ नहीं आती है. सो अब मैं आपको इसकी बेस रेडी करना सिखाऊंगी. आप अपना ब्रश को डिप कर लें केरोसिन ऑयल में मिट्टी के तेल में. बहुत ज़्यादा नहीं बस लिमिटेड सा. अभी तो आपको जस्ट इसका बैकग्राउंड बनाना है तो आप किसी भी एंगल में अपना ब्रश जो है वो मूव कर सकते हैं. लेकिन जो बेस्ट तरीका है वो यही है कि आप इसको इस तरह इस मूवमेंट में रखें. इस तरह ये अच्छी तरह से एक तो कलर भी आपका मर्ज हो जाएगा मिक्स हो जाएगा. अगर आप इसके अलावा कोई और कलर यूज़ करें तो वो भी बहुत अच्छी तरह से मिक्सअप हो जाएगा. आपने बाकी कलर्स इस तरह से यूज़ नहीं करने हैं कि आप डायरेक्ट कैनवस पे रख के उसको यूज़ करें. ये तो जस्ट एक प्लेन ब्लैक कलर है इसलिए मैं आपको डायरेक्ट कैनवस के ऊपर करके ही दिखा रही हूँ. वरना दूसरे कलर्स जो हैं वो आपको अपनी पैलेट पे पहले मिक्स करने होंगे देन आप अपने कैनवस पर अप्लाई करें. उसका तरीका भी मैं आपको बताऊँगी. अब जो आप इसका बैकग्राउंड बनाएंगे ये एटलीस्ट आपको एक रात पूरी इसको ड्राई होने के लिए छोड़ना होगा. इसीलिए जितनी भी ऑयल पेंटिंग्स होती हैं उसको जो है अगर आप किसी को ऑर्डर करते हैं या कोई भी आप किसी से लेने जाएं तो वो आपको बहुत ज़्यादा टाइम बताते हैं. अगर तो उनके पास बनी हो तो आप उसी टाइम दे देते हैं. बट उसका जो मेन प्रॉब्लम होता है वो यही होता है कि ऑयल पेंटिंग को ड्राई होने में बहुत टाइम लगता है. आप बड़ा ब्रश भी यूज़ कर सकते हैं. अगर आपकी पेंटिंग बड़ी है तो आप बड़े ब्रश के साथ भी कर सकते हैं. इट्स अप टू यू. अभी लैकर स्प्रे करने के बावजूद जो है ये फैब्रिक बहुत जल्दी कलर को सॉक कर रहा है. बट अगर आप लैकर स्प्रे भी नहीं करेंगे तो ये कलर जो इतना भी आप इजीली कर सकते हैं ये भी नहीं कर सकेंगे. सो इसलिए कोई भी पेंटिंग स्टार्ट करने से पहले ज़रूरी है कि आप अपना लैकर जो है पेंटिंग के ऊपर ज़रूर स्प्रे कर लें. आप इसके लिए ब्लैक स्प्रे भी यूज़ कर सकते हैं बट वो जो है वो बैकग्राउंड इस तरह से लगेगा जैसे वो फिर पेंटिंग
एटलीस्ट जो है वो सही तरह से शो नहीं होगी कि ये हाथ से बनी हुई है, वो जस्ट यही लगेगा कि आपने स्प्रे किया है। और जब आप बैकग्राउंड को खुद बनाएंगे, हाथ से बनाएंगे, इस ब्रश की इस तरह की मूवमेंट से बनाएंगे, तो वो और ज़्यादा जो है वो अच्छी लगेगी और आपकी प्रैक्टिस होगी। जैसे जैसे आपके जो है ब्रश मूव करने की प्रैक्टिस, जैसे मैंने आपको बताया था कि पेंसिल, जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे पेंसिल को उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। तो इसमें भी यही है कि अगर आप ब्रश को ज़्यादा मूव करेंगे, ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, तो आपकी ऑयल पेंटिंग भी आप उतनी ही ज़्यादा अच्छी बना सकते हैं। कोई भी एरिया आपने ड्राई नहीं छोड़ना। ऑलमोस्ट हमारा कैनवस जो है वो डन है। कोई भी पॉइंट, कोई भी जगह आपकी जो है वो वाइट नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल सारा कवर होना चाहिए। सो ये हमारा बैकग्राउंड जो है ब्लैक बैकग्राउंड, जो क्लीन बैकग्राउंड है वो रेडी हो चुका है। अब इसको ड्राई होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, इनफैक्ट आपको एक रात इंतज़ार करना पड़ेगा अपनी पेंटिंग स्टार्ट करने के लिए। तब तक के लिए मैं आपको अल्लाह हाफिज़ कहती हूँ, और इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें मैं आपको इसके ऊपर कैलीग्राफी और इसका बैकग्राउंड, गैलेक्सी बैकग्राउंड जो आप सब कह रहे हैं कि बहुत अच्छा बैकग्राउंड है, बहुत अच्छा बैकग्राउंड है, उसे हम गैलेक्सी बैकग्राउंड कहते हैं। जो न्यू स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने आज ही ये वीडियो देखी है और अभी तक उनको मेरे ग्रुप का और मेरे काम करने का तरीका नहीं पता, तो वो मेरी बाकी की वीडियोस देखें। और जो मेरा फर्स्ट लेसन है उसकी वीडियो भी मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में दी है। और जिन्होंने अभी तक मेरा फेसबुक ग्रुप ज्वाइन नहीं किया वो प्लीज़ ज्वाइन कर लें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरे जो भी लेसन्स हैं, जो भी वीडियोज़ हैं, आपको ईजीली मिल जाएँ। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।